मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम एमए और बीए इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो बनाते हैं, और उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज एमए फाइनल के बच्चों को मैं जो उनका पेपर है, जो आरयू के जो बच्चे हैं उनका 26 तारीख को पेपर है, और जो ब्रज यूनिवर्सिटी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनका 27 को पेपर है। तो हम उन्हीं पेपर्स को लेकर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों की। एमए फाइनल मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र, ध्यान दीजिएगा, मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनका 26 तारीख को पेपर है। 26 तारीख को उनका पेपर जो है वो 20th century लिटरेचर का है। याद रखिए, मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र जो अलवर से हैं उनका 20th century का ये पेपर है जो 26 तारीख को है। तो इसका सिलेबस क्या है, पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो सिलेबस वही आरयू का सिलेबस है, राजस्थान विश्वविद्यालय के बच्चों का भी यही सिलेबस है, जिसमें WBEd से सेक्शन एम ए, TS इलेटेम, फिलिप लार्किन और टेड अगीज है। तो अब हमें इसे कैसे सोल आउट करना है, तो ध्यान दीजिए, जिनका 26 तारीख को पेपर है यानी कि कल पेपर है उनका, यूनिवर्सिटी के बच्चे, वो इसमें TS इलिट की वेस्टलैंड लर्न करें। TS इलिट की जो वेस्टलैंड है वो 101% इसमें से क्वेश्चन आएगा। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपके कि TS इलिट ने किस तरह से क्रिटिसाइज करी है मॉडर्निटी की, और किस तरह से उसने जो पांच भाग बताए हैं वेस्टलैंड के, उन पांचों भागों का वर्णन भी कर सकता है, या पूछ सकता है कि वेस्टलैंड जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी सक्षम है, तो उसके बारे में बात कीजिए आप। तो वेस्टलैंड को लेकर के 201% क्वेश्चन आने वाला है कल आपके पेपर में। मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र ध्यान दो, और इसी में से आपके एक्सप्लेनेशन आएगी। और फिलिप लार्किन और टेड अगीज पूरी रात भर पढ़ी है, कल 11 बजे एग्जाम है। फिलिप लार्किन और टेड अगीज की पोएम इतनी लंबी नहीं है, आप इन्हें लाइन टू लाइन पढ़िए, या तो फिलिप लार्किन और टेड अगीज की पोएमों से या तो आपके किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा, या फिर आपके एक ऐसा प्रश्न आएगा जो जिसमें सभी पोएम में समाहित होगी। जैसे कि फिलिप लार्किन का पूछा जा सकता है आपसे कि फिलिप लार्किन का जो कविताएं हैं वो सोशल कैसे हैं, यानी कि उसमें सोशल थ्योरी कैसे है। अब विट्सन वेटिंग कविता में कभी रेलवे स्टेशन से जाता है तो वहां पर वो कई सारे लड़के लड़कियों को देखता है जो किसी सभागार में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, उसका वर्णन करता है। फिर वह जो टोड है उसमें ये बात करता है कि हर आदमी में टोड बैठा हुआ है। तो आप टोड कविता को और विट्सन वेडिंग और कमिंग पोइम को अच्छी तरह से लर्न करके जाएं। टेड हगीज की कविताओं में वायलेंस को बताया गया है, पेस्टोल ब्यूटी को, चाहे वो पाइप हो, चाहे वो व्यू पे पिग हो, चाहे वो होस्टेज हो, क्रोस्टिंग हो या पिस्टल्स हो, इनमें सभी में या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या फिर आपसे इसके वायलेंस को लेकर के या पेस्टोल ब्यूटी को लेकर के प्रश्न पूछेगा। और दोनों पोएमों में से चाहे वो फिलिप लार्किन हो चाहे टेड हगीज हो, 101% आपके 2 या 3 एक्सप्लेनेशन मैच हो जाएगी। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में जॉर्ज ऑरवेल है, V.S. नायपोल है और बर्ट्रैंड रसेल है। तो याद रहे, सेक्शन बी में आप लोग या तो V.S. नायपोल और बर्ट्रैंड रसेल को प्रायोरिटी देंगे। V.S. नायपोल का बाउंडेड सिविलाइजेशन, अरे भाई हमारी सिविलाइजेशन को बाउंड करने वाली कई सारी चीजें हैं, हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्थाएं, राजनीतिक डिस्पुटेंस रही, और हमारी जो इकोनॉमिक डिस्पुटेंस रही उसने हमारी जो संस्कृति है उसको बाउंडेड किया है। तो हमारी कुरूतियाँ, हमारे रीति रिवाज, तो हमारी एंशंट काल जो चली आ रही कुरूतियाँ वगैरह रही, इनके बारे में आप लिख सकते हो। जब आप बाउंडेड सिविलाइजेशन का लिखोगे तब आप एंशंट और मॉडर्न टाइम को जरूर दर्शाओगे, और V.S. नायपोल का इसमें प्रश्न जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके, और बर्ट्रैंड रसेल का इंडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड और इंडियाज दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड, बहुत अच्छा ऐसे है, जरूर प्रश्न आएगा इसमें से। और कि यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने हमें नुकसान पहुंचाया, जिसने हमें फायदा पहुंचाया है, तो आप इनमें हमारे साइंस के बारे में लिख सकते हो, उद्योग धंधों के बारे में लिखते हैं अपन इसमें, हमारे सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ग्रोथ कैसे हुई और उनमें किस प्रकार करप्शन फैला, किस प्रकार हमारा संविधान ने हमें आगे बढ़ाया, किस प्रकार हमारे साइंटिफिक थॉट ने हमें आगे बढ़ाया, तो इन सारी चीज़ों के बारे, और इन्होंने हमें नुकसान कैसे पहुँचाया, जातिवाद ने, धर्म ने, धर्म निरपेक्षता ने, भाई भतीजेवाद ने कैसे नुकसान पहुँचाया, ये सारी चीज़ें लिखोगे आप।
तो सेक्शन बी में आप वीएस नायपोल और बर्टेंड रसेल को आप प्रायोरिटी दोगे और इनमें से 101% आपके क्वेश्चन आएगा अथवा में आएगा। सेक्शन सी में चलते हैं अपन, तो सेक्शन सी में हम आपके पास में है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट यंग मैन है आपके जेम्स जोशी का, सनशाइन लवर से डीएस लॉरेंस का, वेटिंग फॉर गोडेट है, बर्थडे पार्टी है और पेगमेलियन और टू द लाइट हाउस है। लेकिन मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप बर्थडे पार्टी, पेगमेलियन और टू द लाइट हाउस तीनों को लर्न कर रही, आपके तीन क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन और तीनों में से आपके तीनों के तीनों मैच करेंगे। बर्थडे पार्टी कॉमेडी ऑफ मैनेज है, टू द लाइट हाउस में मिस्टर रामसे और मिसिज रामसे की कहानी है और पेगमेलियन में कि किस प्रकार एक व्यक्ति के दो चेहरे होते हैं वो पेगमेलियन में बताया गया है। तो आप इन तीनों को लर्न कीजिए, तीनों में से आपके 101% क्वेश्चन आएगा तुम्हारे। तो ये मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के बारे में मैंने डिस्कस किया है जिनके सेक्शन ए में टीएस लिट, फिलिप लार्किन और टेड अगीस। अगर आप इस सेक्शन ए को अच्छी तरह से कर लोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन हो जाएगी आपकी, और सेक्शन बी में से बीएस नायपोल और बर्टेंड रसेल इसे भी आप अच्छी तरह से करोगे तो एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। सेक्शन सी में आप बर्थडे पार्टी, पेगमेलियन और टू द लाइट हाउस को दोगे। अब इसी में ही जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनका 27 तारीख को पेपर है, ये मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों का 26 को है और शेखावाटी के जो छात्र हैं उनका 27 तारीख को पेपर है और 27 तारीख का पेपर उनका 20th सेंचुरी लिटरेचर प्रोस एंड फिक्शन है, इनका 20th सेंचुरी लिटरेचर है। तो 20th सेंचुरी जो प्रोस एंड फिक्शन है जो कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके सेक्शन ए में